मन कहीं गुरतेज के साथ। फोन मिलाओ उसको। अरे नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो दोबारा मिलाओ, फैजल ने चिल्लाते हुए अपने छोटे भाई को कहा। कुछ खबर मिली इसकी? कहाँ है, कैसे है? अब्बू ने कमरे में दाखिल होते सवाल दाग दिया और फिर सबका लटका हुआ मुंह देखकर सारा माजरा समझ गए। हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस पर नजर रखो, पर नहीं, इस घर में तो सिर्फ मर्दों की चलेगी। निकाह के वक्त हम बहुत चिल्लाए थे, पर तब तो अम्मी की बातें। अब तुम चुप भी करोगी? रुखसाना के घर से पता किया? उसी के घर जाती थी ज्यादा जी, जवाब देते फैजल ने कहा। अबू, मैं सब जगह पता कर आया हूं, उसके घर भी जा आया, बड़े बाजार, इमली वाली मस्जिद की तरफ, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली। जेवरत, पैसे देखे? हाँ, वो सब सलामत है, सिर्फ एक बैग में चंद कपड़े और अपना एक पर्स था उसका, वो जिसमें वो पैसे जोड़कर रखती थी, वो साथ लेकर गई है। घर में अब शिकन शिकवे और शिकायतें बिखरी पड़ी थी, किसको क्या बताएं। रेलगाड़ी पटरियों पर पीछे धुआं छोड़े हुए सरपट दौड़ते जा रही थी। दौड़ते दौड़ते न जाने कितने ही स्टेशन, कितने लोग ये पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन जाना कहाँ है, अब आगे क्या करना है, कुछ मालूम नहीं था। हां, पर एक सकून का इल्म आज उसे हो गया था, जो शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सालों बाद आज चैन की सांस मिली थी उसे। D5 डब्बे की सिंगल विंडो सीट पर बैठी, झोली में एक बैग दबाए तैयबा बाहर दौड़ते हुए पेड़ों को देखकर यही सोच रही थी। चुपके से वो अपनी सीट से खड़ी हुई और दरवाजे पर जाकर खुली हवा में सांसें लेने लगी। उसने अपना बुरखा निकाला और बाहर खुली हवा में उसे आजाद कर दिया। अब वो कानपुर से काफी दूर आ चुकी थी। कोई क्या कहेगा, किस तरफ बैठूं, किस तरह चलूं और किस तरह मैं जीऊं, मुझे ये कोई और बताएगा? ऐसी किसी बात की फिक्र उसे अब नहीं थी। अच्छा, कई बार ना हम खुद को पहचानने में, हम क्या हैं उसको जानने में, जिंदगी जीने के खुद के सलीके को जानने पहचानने में काफी देर कर देते हैं, और कई बार तो देर के साथ साथ हम कोई फैसला ही नहीं ले पाते। जो हम थे वो हम भूल जाते हैं और एक झूठे अक्स को पहनकर ओढ़कर अपनी सारी जिंदगी निकाल देते हैं। कयामत तक। उस दिन जुम्मे की छुट्टी थी। तैयबा अपनी खाला के साथ छत पर बैठकर तीसरे वक्त की नमाज पढ़कर हटी। तैयबा, क्या हुआ, कितने दिन से देख रही हूं, यू गुमसुम से क्यों रहती हो? इनायत ने उसे कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अरे ओ मोहतरमा, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, क्या टकटकी लगाए उधर उस चिड़िया को देख रही हो? जैसे अभी सदमे से जागी हो, ऐसे तैयबा ने उसको जवाब देते कहा, हाँ क्या बताऊं, किससे तो बहुत से हैं, बताने लगे तो इसी में सारा वक्त गुजर जाएगा। कोई बात नहीं, अगर चाहो तो अपना दिल हल्का कर सकती हो, पर क्या होगा उसे ये तो पता नहीं, पर हां तुम थोड़ा अच्छा महसूस करोगी। कब तलक? बात बदलते हुए वो कहती है, वो
सामने उड़ती हुई चिड़िया देख रही हो? हमें ना चिड़िया बनना है। अब भूल जाओ, अब तो आपका निकाह हो चुका है, वैसे कौन उड़ने देगा ये तो पता नहीं, पर हम अपने परों से अपनी परवाज भरना चाहते हैं, अपने आसमान पे, वो उस खुदा के पास। तैयबा इतना कहकर खामोश हो गई और दूर आसमान में टकटकी लगाकर देखने लगी। जैसी आज वो है ऐसी वो थी नहीं, वो कुछ अलग थी, खुली, बिंदास, आजाद, आसमान में उड़ने वाली उस बुलबुल की तरह मीठी नात गाती हुई। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी निगाहों में एक ज्वाला होती है, जो इस समाज की झूठी रस्मों को तोड़कर एक नई इबादत लिखना जानते हैं। वैसा ही कुछ कुछ उसकी आंखों में था। कैद होकर घुटन की जिंदगी उसे जीना नहीं था, उसे लिखनी थी एक नई नज्म, जिसे गाकर वो सबको इबरत देना चाहती थी। क्योंकि रसोई से घर की दहलीज तक पल पल घुटते हुए, जिंदा कब्र में दफन होते हुए, उसने अपनी घर की औरतों को, अम्मी को, खाला को, सबको देखा था। और इन सब के बाद अगली बारी उसी की थी, जिसके परों ने परवास भरी ही थी कि कुछ काले भंवरों ने उसके रंगीन सपनों को खाना शुरू कर दिया, उसके रस को जहर में बदलना शुरू कर दिया। अभी 21वें साल को पूरा भी नहीं किया था उसने कि उसके हाथों पर मेहंदी रचा दी गई और वो शौहर वाली बन गई। पर जो उसे बनना था वो तो बनी नहीं, सब कुछ वैसा ही तो था, कुछ भी तो नहीं बदला था। बदला था तो सिर्फ घर, पहले मायके, अब ससुराल, नई नई शादी, नया नया घर, नया नया माहौल। तभी तैयबा ने कहा, पता है हम तो उड़ जाने वाले थे। अच्छा, किसके संग और फिर उड़े क्यों नहीं? था एक काफिर हमारे अब्बू की नजर में, काफिर था वो पर हमारी नजर में नहीं। हमने अपने अब्बू को उनके बारे में बताया भी था, पर फिर वो चढ़ गए पारा लेकर हम पर, बोलने लगे उसको तो बाद में देखेंगे लेकिन पर पहले हम तुम्हें हलाल कर देंगे। तब ना हम डर से गए थे, शायद बच्चे थे तब, पर अब लगता है कि नहीं, नहीं डरना चाहिए था हमें। अब कहाँ है वो? होगा, होगा कहीं इस खुदा की दुनिया में, जिसके साथ भी होगा बहुत खुश नसीब होगी वो। मलाल होता है उसे पाने का, उसे ना पाने का नहीं, मलाल तो नहीं, पर खुशी इस बात की है कि उसने हमें जीना सिखा दिया, नजरिया बदल दिया हमारा, उसने हमको हमसे मिला दिया, सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा दिया उसने। ये एहसास आज होता है, उसकी रुबाइयों जैसी बातें आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं। चलो, मैं कहां ये बातें लेके बैठ गई। अच्छा, चलती हूं, ये भी आने वाले हैं, फिर कहेंगे जहां जाती है वहां बातें करने बैठ जाती है। उसकी सहेली ने बड़े प्यार से उसे देखते कहा, तैयबा अब तो यही जिंदगी है। तुम्हारी होगी, मेरी नहीं,
मैं तो नई कलम से नई नज्म लिखूंगी, जल्दी ही खुद से मिलूंगी मैं। इतना कहकर वो अपने घर चली गई, पर उसकी बातें उसके कानों में गूंजती रही। उसने उसकी आंखों में जलते हुए शोले देख लिए थे। 2 दिन से वो बस उसी की बातें सोचती रही। शाम ढलने वाली थी, तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने तैयबा का शौहर था। उसने कहा, वो इधर तो नहीं आई? नहीं, इधर तो नहीं आई, पर क्यों, क्या हुआ, आप इतने घबराए से क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, वो सुबह से घर में नहीं है, पता नहीं कहां अपना बैग और कुछ कपड़े लेकर चली गई, फोन भी नहीं उठा रही। जैसे मैसेज किए सबने, कॉल करके देख लिया, उसका घर भी कॉल करके देख लिया, वो अपने घर भी नहीं गई। सोचा तुम्हारे घर पता कर लो। उसने आगे से नामे सर हिला दिया। नहीं, इधर तो 2 दिन से आई भी नहीं। फैजल उल्टे पांव वहीं से हताश होकर वापस चला गया। पर असल में इनायत को पता था वो कहां गई है। वो खुद से मिलने के लिए निकल गई है, कहीं दूर नई कलम से नई नज्म लिखने, जिसमें सिर्फ रंग ही रंग होंगे, कालिख का कोई नामो निशान। उसने वो फैसला जल्दी कर लिया था जो उसे और भी जल्दी कर लेना चाहिए था। ट्रेन ने और रफ्तार पकड़ ली थी, सूरज अब ढल चुका था, उसकी लालिमा पूरे आसमान में फैल चुकी थी, और खिड़की से तैयबा दूर अपने घरों को वापस लौटते परिंदों को देख रही। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी।